हेलो दोस्तों, आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे कि इस टाइप का आपका ड्यूल लाइटिंग इफेक्ट आप कैसे कर सकते हैं इन फोटोशॉप। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्विक सिलेक्शन टूल या किसी भी सिलेक्शन टूल पे, और क्लिक करना है सिलेक्ट एंड मास्क पे। सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से सिलेक्ट एंड मास्क पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिफाइन एज ब्रश टूल। आपको रिफाइन एज ब्रश टूल की हेल्प से इसके बालों पे हल्का सा ऐसे करना है ताकि जो बैकग्राउंड है वो आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है हल्का सा। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। उसके बाद हल्का सा हम फैदर देंगे, बिल्कुल हल्का सा स्मूथनेस हल्की सी हम प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आउटपुट टू करेंगे लेयर मास्क एंड कर देंगे ओके। तो इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। मान लो 1920x1080 पीपी में ले रहा हूं एंड क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस लेयर को यहाँ पे लेके आएंगे, या फिर उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ से एक लेयर को ओपन करता हूँ। एक ओपन किया मैंने लेयर, जहाँ पे भी मेरा बैकग्राउंड की लेयर है, मैंने डाउनलोड्स में एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड डाला हुआ है तो ये वाला मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, और इस वाले को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, शिफ्ट प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। एक आपका बैकग्राउंड क्रिएट हुआ। अब इन दोनों को आप नीचे वाले लेयर को डिलीट कर सकते हो अब यहाँ पे। उसके बाद इस वाले इमेज को मैं ड्रैग करके अपने बैकग्राउंड में यहाँ पे लेके जाऊंगा और जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैं उतने को ही यहाँ पे चूज करूंगा। मान लो मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए ओके, और ये मैंने सेंटर में यहाँ पे ऐसे रखा ओके। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक इसको सिलेक्ट करना है, एक लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ पे ग्रेडियंट डालना है। जैसे आप ग्रेडियंट डालोगे तो ये आपका ग्रेडियंट आएगा। आपको ग्रेडियंट यहाँ पे जो डालना है वो 0 डिग्री आप रखोगे ताकि लीनियर में आपका 0 डिग्री ऐसे आए। और यहाँ पे क्लिक करोगे ग्रेडियंट पे, इस ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करेंगे, एक साइड का आप डिलीट कर दोगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट रखना है, और एक साइड के ग्रेडियंट को आप यहाँ पे पिंक या जो भी कलर आप चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिंक ले रहा हूँ और इसको हम एडजस्ट करेंगे कि कितना मुझे चाहिए, कितना शार्प चाहिए। इससे मैं एडजस्ट करूंगा कितना मुझे किस साइड कितना चाहिए। अंडू, ये मैंने यहाँ से ये लेके आया। अब ये देखो इसके बीच में फैदर का यहाँ पे इफेक्ट आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और उधर करता हूँ ताकि वो इफेक्ट आपका सेंटर में आए। अब ये इस तरीके का इफेक्ट मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो मैंने ओके किया। ओके करो और इस लेयर को आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करके कलर पे क्लिक कर दो। जैसे आप कलर पे क्लिक करोगे तो एक साइड का पोर्शन आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरीके का आपका पिंक कलर में आपका आ जाएगा। दूसरी साइड में ब्लू चाहता हूँ तो मैं इसी लेयर का कंट्रोल जे से कॉपी करूंगा। कंट्रोल जे से मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको सबसे पहले कर दूंगा रिवर्स ताकि इस साइड का इफेक्ट आए। अब आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करके और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे कोई भी ब्लूश कलर। ये मैंने ब्लूश कलर यहाँ पे चूज किया ओके, एंड कर दो फिर ओके एंड ओके। तो ये भी क्या है, यहाँ पे कलर है। अब इसकी ओपेसिटी हम अपने तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो तो इस तरीके का आपका इफेक्ट आ जाएगा। इसको और अच्छे से करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों जो ग्रेडियंट्स है मेरे यहाँ पे इन दोनों का एक लेयर न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करके कॉपी लेयर करता हूँ या फिर कंट्रोल जे से मैं दोनों की एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर। अब दोनों की न्यू लेयर क्रिएट करके मेरे को क्या करना है, इन दोनों को यहां से हम करेंगे सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने पर इसका इफेक्ट आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर एक और लाइट ओवरले कर जाएगी और आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर सकते हो, दोनों की ओपेसिटी को, और फिल को भी हल्का सा हम यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, इसके ऑन ऑफ होने से देखो आपका क्या आपको इफेक्ट नजर आता है। क्लियर है। उसके बाद हम हल्का सा इसके ऊपर कर्व लगाएंगे अगर हमें नीड हुई तो, ताकि डार्क करने के लिए या ब्राइट करने के लिए हमारी इमेज को, ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है। अगर नीड हुई तो ही हमें ये करना है, वरना हमें नहीं करना है। क्लियर है। ये करने के बाद अब आपका ये इफेक्ट आ गया। अगर आप जूम करके देखते हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट अभी आपको इस इमेज में नजर आएगा। उसको थोड़ा शार्प करने के लिए हम पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल अल्ट प्लस आपको ई प्रेस करना है। शिफ्ट अल्ट
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस की तीनों प्रेस करने हैं, तो एक इमेज यहाँ पे बन के आ जाएगा। अगर आप इसे ऑफ भी कर देते हो सबको, तो आप देखेंगे एक इमेज इनकी बन गई, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, अब फिल्टर पे जाओ, अदर पे क्लिक करो और हाई, यहाँ पे आप देखोगे हाई पास आएगा। हाई पास आपको बताएगा कितनी हाईलाइट आपको इमेज में करनी है, आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कितनी डिटेल आपको दिखानी है, तो इतने पोर्शन पे डिटेल आएगी। आप इसे ओके करो और इसको सिलेक्ट करके नॉर्मल पे क्लिक करके आप इसे कर दो यहाँ पे लीनियर लाइट। जैसी लीनियर लाइट करोगे, अगर आप अपनी इमेज को देख रहे हो, देखो आप ये देखोगे यहाँ पे, तो कितनी शार्पनेस आ जाएगी। अब ये शार्पनेस ज्यादा है, मैं दोबारा से अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद मैं दोबारा से फिल्टर पे जाके यहाँ पे डालता हूँ और इसकी शार्पनेस को कम करता हूँ कि मुझे सिर्फ इतनी चाहिए। डिपेंड करता है आपकी इमेज पे कितनी डिटेलिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है। तो आप इसे यहाँ से लीनियर लाइट पे क्लिक करेंगे, अब आप देखोगे आपकी इमेज बिल्कुल यहाँ पे शार्प आएगी। अगर आप इसे ऑफ करके देखते हो तो सॉफ्ट है, क्लिक करके देखते हो तो आपकी आपकी इमेज यहाँ पे बिल्कुल शार्प नजर आ रही है और सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज में ड्यूल लाइटिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसको चाहते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।